नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसवीर सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल जस्सी। आप अगर माउस कर्सर के बारे में यूज़ करना चाहते हैं, माउस कर्सर अगर फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आज डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरों को उसका जो पॉइंटर है वो किसी भी चीज़ को मार्क करने के लिए और बताने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले से इसको ओपन किया हुआ है तो माउस ऐसे काम करता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और वापस से इसको ऐसे कर देते हैं तो इस प्रकार ये माउस काम करता है, कर्सर ऐसे काम करता है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं सेटिंग में जाके इसको पहले अनइंस्टॉल कर देता हूँ, उसके बाद इंस्टॉल करके आपको डिटेल से बताऊँगा। तो बने रहिए वीडियो में, तो मैं आपको पूरी डिटेल से इसके बारे में समझाऊँगा। सबसे पहले हम सेटिंग में जाते हैं। मैंने एक एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल की हुई है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में जाएंगे तो इसमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। सी आल ऐप्स, ऑलवेज विजुअल माउस, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। तो दोबारा से जैसे आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो चुकी है। तो मैं अब डायरेक्ट फ़ोन के प्ले स्टोर में जाऊंगा और यहाँ आपको टाइप करना है, ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, ऑलवेज विजिबल माउस। ये जो ग्रीन कलर का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है यही वो ऐप है जो आपको इंस्टॉल करनी है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं तो ये आप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ तो अभी प्रोसेसिंग चल रही है। अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगी। अभी इंस्टॉलिंग प्रोसेस जारी है, आप थोड़ा वेट कीजिए। जैसे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है मेरे फ़ोन में, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद परमिशन सेटिंग फॉर द माउस क्लिक्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन ऑलवेज विजिबल माउस ये ऑफ है तो इसको आप यूज सर्विस पे जाके ऑन कर देंगे और अलाउ पे क्लिक कर देंगे। अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर एप्लीकेशन, इसको भी हम ऑन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। तो सबसे पहले तो आप बटन कलर इसका चेंज कर सकते हैं, इस पे जाके कोई भी बटन कलर लीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे ये कर्सर और माउस दोनों हमारे पास आ चुके हैं। बैकग्राउंड कलर भी इसमें आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर ये कर दिया और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये पेन का कलर है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं और नहीं तो रेड अच्छा कलर होता है। उसके बाद एडवांस फीचर में जाएंगे, ये माउस टाइप है और इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, माउस एनिमेशन, माउस आइकॉन, फेस रिकॉग्नाइजेशन, माउस साउंड। माउस साउंड इसको डिफ़ॉल्ट पे आप सेट कर देंगे तो माउस की जो क्लिक की आवाज़ होती है उस जैसी आवाज़ ही ये करेगा। तो दोस्तों हम वापस आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। जैसे हम वापस आ गए, जैसे इस वाली ऐप को हम खोलेंगे तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारे पास ओपन हो गई है।
जैसे इसको भी क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया है। तो आप इस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर माउस के ऊपर आप दबा के रखोगे तो एक पेन का सिंबल आएगा, तो ये मार्कर का काम करता है। जैसे ऐसे मार्क कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को मार्क कर सकते हैं। तो दोबारा क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, माउस के ऊपर क्लिक करना है, एरो के ऊपर क्लिक नहीं करना, तभी ये प्रोसेस काम करती है। जैसे ये माउस का कर्सर है, जैसे लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर में यूज़ होता है माउस, वैसे ही कुछ इस प्रकार की लुकिंग हमारे पास देखने को मिलती है। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं सेटिंग में जाके, एडवांस फीचर में जाके। तो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।